अपने प्रीवियस लेसन्स में हम ये जान चुके हैं कि डिज़ाइन क्या है, ग्राफिक डिज़ाइन किसे कहते हैं और ग्राफिक डिज़ाइन की हमारी डेली लाइफ में इम्पॉर्टेंस क्या है। आइए इसके बाद हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर की डिज़ाइन बनाते हुए क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, यानी कि उसके क्या मकासद होने चाहिए। ट्रेनर्स, आपको याद होगा मैंने आप लोगों को डिज़ाइन समझाते हुए चेयर की एग्जांपल दी थी। फ़र्ज़ करें आप लोगों को अपने लिविंग रूम या अपने ऑफिस के लिए एक चेयर ख़रीदनी हो और आप लोग इस मकसद के लिए किसी इंटीरियर शॉप के ऊपर जाएं। वहाँ पे आपके रिक्वायर्ड चेयर के बहुत सारे दो या तीन डिज़ाइन ऑप्शंस मौजूद हों। अब आप मुझे ये बताएं, वो कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनके बिना पे आप अपने लिए चेयर सेलेक्ट करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही। पहला रीज़न तो यही होगा कि आप अपनी कंफर्ट देखेंगे। आप ये चीज़ सोचेंगे कि वो कौन सी चेयर है जिस पे आप बहुत ही आरामदेह तरीके से बैठ सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके पास जितने भी डिज़ाइन ऑप्शंस मौजूद हैं उस इंटीरियर शॉप के अंदर, वो तमाम के तमाम बैठने में कंफर्टेबल हैं और उनकी प्राइस रेंज भी तकरीबन एक जैसी ही है। तो अब मैं आपसे दोबारा एक सवाल करता हूँ, अब मुझे बताएं, अब आप किस रीज़न की बेस पे अपने लिए चेयर को चूज़ करेंगे? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया, आप वो चेयर चूज़ करेंगे जो के देखने में आपको उन तमाम ऑप्शंस में सबसे बेहतर लगेगी। यानी कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए या एक डिज़ाइनर के लिए जो डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव्स मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, उसमें पहला डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव तो डेफिनेटली उस डिज़ाइन के पर्पस को फुलफिल करना है और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि वो डिज़ाइन देखने में बेहतर लगे। ट्रेनिंग डिज़ाइन के ऑब्जेक्टिव को समझने के बाद हमें बड़े आसानी से ये बात पता चलती है कि एक अच्छा डिज़ाइन क्या है और एक बुरा डिज़ाइन क्या है। जी हाँ, एक अच्छा डिज़ाइन वो है जो सबसे पहले अपने पर्पस को अच्छे तरीके से फुलफिल करे और देखने में भी भला मालूम हो, और एक बुरा डिज़ाइन वो है जो ना तो देखने में ही अच्छा हो और ना ही अपने पर्पस को प्रॉपरली फुलफिल करे। बिल्कुल इसी तरह से ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर भी यही चीज़ अप्लाई होती है। ट्रेनिस, ग्राफिक डिज़ाइन का मकसद आपको पता है क्या है? मैसेज कन्वे करना। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ग्राफिक डिज़ाइनर का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि उसका मैसेज ना सिर्फ अच्छे तरीके से आसानी से अंडरस्टैंडेबल हो, बल्कि वो देखने में देखने वाले को अपील करे और अट्रैक्ट करे। ट्रेनिंग, आप लोगों ने स्टीव जॉब्स के बारे में सुन रखा होगा, मशहूर ज़माना कंपनी एप्पल का CEO स्टीव जॉब्स। कहा यह जाता है कि स्टीव जॉब्स वो इंसान है जिसने पिछली चंद दहाइयों में दुनिया का नक्शा बदल के रख दिया। उसकी सरपरस्ती में उसकी कंपनी एप्पल ने जो प्रोडक्ट्स बनाई, डिज़ाइन की और लॉन्च की, वो डेफिनेटली आज हमारी मॉडर्न लाइफ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गहरा असर रखती हैं। यानी स्टीव जॉब्स ने एक बार डिज़ाइन को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया, डिज़ाइन इज नॉट हाउ इट फील्स और हाउ इट लुक्स, डिज़ाइन इज हाउ इट वर्क्स। जी हाँ, स्टीव जॉब्स के सेइंग के मुताबिक भी हमें यही पता चलता है कि डिज़ाइन की शक्ल और उसकी पर्पस दोनों बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों को ये अंदाज़ा हो गया होगा कि ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पे काम करते हुए आपको किन दो ऑब्जेक्टिव्स का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है।